हम लोग का जो भी था प्रैक्टिस है 2.4 चालू था। इसमें प्रीवियस लेक्चर में आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3 क्वेश्चन हो गया था। अभी इस लेक्चर में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 5, 6 3 क्वेश्चन है। इसमें से मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन करा दूंगा, आप लोग का प्रैक्टिस है 2.4 कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4, अभी आप प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड तीनों किए रहेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ रहेगा बाकी कैसे करेंगे। बट आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। तो देखो इसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 5m² - 4n - 2 = 0। अभी इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कंपेयर करूंगा किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ये हम लोग का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को कुछ मिलेगा, तो abc मीन्स हम लोग को abc का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग को इससे क्या मिलेगा, हमारा इक्वेशन कौन सा है, तो a का क्या है 5, b क्या है -4 एंड c हमारा क्या है -2। हम लोग का ए बी सी तीनों मिल गया। अब उसके बाद हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, b² - 4ac। b² - 4ac निकालने के लिए आपको पता है ए बी सी वैल्यू मिल गया तो निकल जाएगा -4² - 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 5 इंटू बी सी का वैल्यू कितना -2 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस और ए माइनस प्लस, 4 5 = 20 और 22 = 40 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखो 4 5 = 20, 22 = 40, अब 40 हो गया और ए माइनस कितना हो गया प्लस। अब इसको ऐड कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा 6 और 4 1 5, ये हमारा क्या निकल गया b² - 4ac। हर एक क्वेश्चन सेम है, खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देकर करना, एकदम सिंपल सा है। अब इसके बाद हम लोग का मेन फॉर्मूला क्या आता है, पहले हम लोग को देखना पड़ता है इतना निकालने के बाद कौन सा वेरिएबल का यूज हुआ है। तो इसमें आपको m का यूज हुआ है, n का भी यूज हुआ है, नहीं मिस यहाँ m ही है क्या m, हाँ तो m का वेरिएबल का यूज हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल सा भी जो वेरिएबल का यूज हुआ उसको लिखने का, लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला रखना है। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या, -b + √ क्या है b² - 4ac और नीचे 2a, ये हम लोग का क्या फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुट कर दो हम लोग को, हम लोग का वैल्यू कैसे पुट होगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी है तो बी का देखो इधर माइनस में दिया बी और इधर पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस में बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट में कितना है 56, कितना है 56। अब 56 हो गया, नीचे कितना है 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, क्लियर देखना है इस कौन से नंबर का 56 फैक्टराइज है, मतलब कौन से नंबर का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट है कौन से नंबर का। तो हम लोग को पता चलता है कि 56 कोई नंबर का नहीं, तो ऐसा दो कोई भी नंबर लो किंटू करने पे 56 आए। तो अभी देखो कौन से टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है क्या, हाँ 14 4 जा कितना होता है 56 होता है। तो हम लोग देखो 44 जा, तो मैं लिख सकता हूँ 4 + - और ये रूट में 4 × 14, इतना हो गया 2 × 5 m, ये इतना होगा आपको क्लियर। अभी इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को बाहर ले सकते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 4 + - और ये क्या आ जाएगा 2 √ 14 / 2 × 5, इतना होगा, एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखो दोनों में 2 कॉमन है, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचता है, 2 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 + √ 14 और नीचे क्या बचेगा 2 × 5 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का बचेगा क्या, इधर करता हूं, हम लोग को क्या बचेगा, यहां से कैंसिल हो गया 2 + -
रूट में 14 अपॉन 5। अब ये हम लोग का इतना आने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक बार प्लस को एक बार माइनस को लेकर लिखना पड़ता है। देयरफॉर एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 माइनस रूट में 14 अपॉन 5, और सेकंड वाला क्या लिख दूंगा, एम इज इक्वल टू 2 प्लस रूट में 14 अपॉन 5। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा, एकदम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, खाली इसमें एक ही था कि रूट को नहीं पता था, तो वही हम लोग को क्या करना था, देखना था कौन सा दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चलता है ऐसा परफेक्ट नंबर। फर्स्ट वाला क्या रहना चाहिए, परफेक्ट किसी नंबर का स्क्वायर रहना चाहिए। तो क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको लिख लो। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो भी दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, देखो 5y क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2। अब ये भी सिंपल सही है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला भी सिंपल है, बट मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4th वाला करा दे, 5th वाला करा दे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5th थोड़ा सा अलग आप लोग को लगता है। ये आप लोग लिख ले रहोगे, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6th सेम है, 6 वाला क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 5th करा दूंगा, तो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2, ये हम लोग का क्या क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखना है कि नहीं है, बट टू साइड है तो उसको इस साइड लाओ तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इधर आएगा माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इतना करने के बाद जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग को कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो कंपेयरिंग कर दो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम लोग को कंपेयर करना है, तो ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1/3, एंड सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा माइनस 2। आपका ए बी सी मिल गया, आपको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहला कंपेयर करने के बाद हम लोग का वही फॉर्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हम लोग का बी क्या है, 1/3 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना माइनस 2, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 1/3, तो 1/9 माइनस माइनस प्लस 2 4z। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर बता दूं, 1/9 प्लस 8 दिया। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो कभी भी ऐसा दिखता है तो हम लोग को ये नहीं क्या करेंगे, बेस सेम करना पड़ता है। तो 1 का 1 में 1 प्लस 8 9 जा 72 अपॉन 1 और 73 अपॉन सॉरी 1 नहीं 9 9, ये हमारा क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 73 अपॉन 9, एकदम सिंपल सा, पूरा बेसिक में करा कर दे रहा हूं, इसकी जगह हम लोग ये लिखेंगे। अब इसके देखो हम लोग को क्या मिल गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अब हम लोग का मेन फॉर्मूला कौन सा है, देयरफॉर कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, कौन सा वाई यूज हुआ है, तो वाई इक्वल टू अभी हम लोग का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या रहेगा, ए क्या है 2a, ये हम लोग का क्या फॉर्मूला है। अब इसमें देखो वैल्यू पुट करना है, तो हम लोग को वैल्यू कैसे पुट करेंगे, बी का क्या है वैल्यू, बी का 1/3 बट एक इसमें आएगा माइनस 1/3 आएगा हो गया, प्लस माइनस रूट में कितना आएगा 73 अपॉन 9 हो गया, और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है हो गया। इतना क्लियर होने के बाद अब हम लोग को करना क्या, तो हम लोग इसमें से देखते हैं कुछ निकल रहा है क्या रूट में से, हाँ निकल रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/3 प्लस माइनस, यहां से क्या निकलेगा 1/3 निकल लेगा, तो बचता क्या 73 2, ये हम लोग का इतना निकल, क्योंकि हम लोग को पता है 3 का कौन सा स्क्वायर है 9, तो 9 में से ये बाहर आ गया, नीचे का है तो ऊपर का
ओनली। अब इसको करने के लिए देखो दोनों वन अपॉन थ्री कॉमन है, तो मैं अगर वन अपॉन थ्री कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, देयर फोर वाई इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, अगर हम लोग का क्या हुआ माइनस कॉमन हो गया तो हम लोग का क्या बचता है माइनस वन, और उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर प्लस माइनस रूट में 73 अपॉन टू, इतना का। अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो अभी देखो पूरे के अपॉन में टू, मैं इसको आपको सिंपल से सॉल्व करके बताता हूँ, पूरे के अपॉन में क्या है टू है, अभी ये इनटू में है माइनस वन प्लस माइनस रूट में 73 इतना है, और अपॉन में टू मतलब डिवाइड में टू लिख सकता हूँ मैं, अभी ये डिवाइड में लिख दिया, अभी ये क्या कर सकता हूँ डिवाइड में, अभी इसको इनटू का उल्टा करना, वन अपॉन थ्री माइनस वन प्लस माइनस रूट में 73 इंटू ए क्या हो जाएगा इधर है तो वन अपॉन टू, और ये सामने सामने होगा मीन्स वन अपॉन सिक्स और माइनस वन प्लस माइनस 73 इतना होने के बाद अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सामने से इंटू होगा तो मीन्स क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट में 73 अपॉन सिक्स, यही हम लोग को इसको सॉल्व करके लाना है, लिखना पूरा डिटेल में नहीं है आपको, खाली ये डिवाइड में इधर जाएगा तो नीचे वाले से इनटू होगा तो वही करना है हम लोग को, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो अभी देखो क्लियर आपको समझ में आया, इसको इसमें दिखाने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल सा बेसिक में, तो खाली हम लोग क्या किया कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद इसको ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड में था तो वन अपॉन इनटू करेंगे तो उल्टा हो जाता है, सामने सामने का इंटू हुआ सिक्स हुआ और वन का ब्रैकेट में इंटू करोगे तो इतना आएगा, तो आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हम लोग इधर ही बताता हूं, क्या लिख दूंगा अभी देखो माइनस वन प्लस माइनस रूट में 73 अपॉन सिक्स इतना होगा, अब बस इतना होने के बाद अब हम लोग को क्या करना, और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं तो हम लोग एक बार क्या ले लेंगे y is equal to minus 1 plus 73 upon 6 minus 1 plus 73 upon 6 और दूसरा कौन सा हम लोग कर सकते हैं y is equal to minus 1 minus root में 73 अपॉन सिक्स, ये हम लोग का क्या हुआ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो इतना ही करना था, आप लोग का क्लियर हो गया, एक बार मैं रिटर्न समझा दे रहा हूँ, अभी देखो हम लोग का जो भी क्वेश्चन था उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है ए बी सी का वैल्यू मिलता है, ए बी सी तीनों का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से निकालेंगे फॉर्मूला पे रख के, तो हम लोग को क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हुआ निकल गया क्वेश्चन, अब ये निकलने बाद मेन हम लोग का जो फॉर्मूला होता है देयर फॉर वाई इक्वल टू हम लोग का जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे जो भी है फॉर्मूला रखेंगे, और इसमें बेसिक ए क्या है अभी इसमें से क्या निकल गया वन अपॉन थ्री कॉमन निकल गया, तो उसको सॉल्व करने बाद हम लोग का क्या है निकल गया इतना है, अब उसके बाद ए दोनों में से वन अपॉन थ्री कॉमन है माइनस वन प्लस माइनस रूट में 73 अपॉन टू बचता है, इसको कैसे सॉल्व किए अभी मैं यहाँ क्लियर आपको करके बताया था, तो हम लोग का क्या है माइनस वन प्लस माइनस रूट में 73 अपॉन सिक्स, और अभी क्लियर होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस वन प्लस माइनस एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही है, तो आप लोग अपने से कर लोगे तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक कंप्लीट हो गया, तो अभी इसके बाद जो भी आज का लेक्चर है तो इसमें प्रैक्टिस है 2.4 आप लोग का कंप्लीट हो जाता है, और जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग का इसके आगे का जो प्रैक्टिस है 2.4 के बाद का एग्जांपल रहेगा उसको क्लियर करूंगा पहले, और उसके बाद जो भी हम लोग का रहेगा प्रैक्टिस सेट चालू करूंगा, तो आज के लिए इतना, इसको लिख लो।